हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइंस के टॉप 200 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को ही बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो प्रसिद्ध हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। पाश्चुराइजेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है गाइस कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो ऑप्शन डी, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। अगला, 20 नवंबर 1997 को छेड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था, तो क्या था? तो ऑप्शन ए, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या हैं? तो ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और अगला है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। तो नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम का अल्फा कणों से। नेक्स्ट है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्य। अगला है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु मॉलिक्यूल का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। नेक्स्ट है, एक उत्प्रेरक या कैटालिस्ट क्या होता है? तो इसकी खासियत होती है ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। अगला है, पित्त का उत्सर्जन होता है, तो पित्त का उत्सर्जन जो होता है वो ऑप्शन बी, यकृत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, तो ये क्या होता है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा आरंभ होती है। ओके, अगला है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो कॉपर सल्फेट का जो घोल जो होता है जल में क्या होता है? ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला क्वेश्चन है, स्टिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयनोनियन निम्न है। अगला है, एक त्रि आधारीय जल अम्ल का अणुभार जो है 176 है, तो इसका समतुल्य भाग होगा? तो ऑप्शन सी, 58.66। तांबे की मिश्र धातु है, तो ऑप्शन बी, पीतल। अगला है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। अगला है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन डी, बसा फैट। अगला, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, CuZn एंड Ni, कॉपर जिंक एंड निकल। नेक्स्ट है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो ऑप्शन सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन B12 में।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या चीज होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता कहलाता है, तो ऑप्शन बी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है, तो सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है ऑप्शन सी नीली व्हेल। अगला है, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आवासीय मान क्या होगा? तो ऑप्शन सी सभी स्थानों पर एक सा होगा, एक सा रहेगा। ओके, अगला है, द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना और दबादार वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला है, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हैं, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी? तो 229 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन r। अगला है, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है, तो हाइड्रोजन बंध में आबंध जो उपस्थित है वो ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जिप्सम से। अगला है, गोबर गैस में मुख्यता होता है, तो गोबर गैस में मुख्यता जो होता है वो ऑप्शन ए मीथेन होता है। अगला, हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हास गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए N2O। अगला क्वेश्चन है, सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र अंतर क्रिया नहीं करता, तो ऑप्शन ए स्थिर आवेशों के साथ, थोड़ा सा बड़ा है बट आप देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए विद्युत का जो अपव्यय होता है कम होता है। अगला है, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रख जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यह केवल सामान तापक्रम दर्शाएगा। अगला है, मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो अभी वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है, जब श्री एक्स श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी दुर्बल। नेक्स्ट है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम के धनात्मक आयन बा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। अगला, HCl SC3COOH से अधिक शक्तिशाली अमल है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगला है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कांसा। अगला है, शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है, तो ऑप्शन बी क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलहो धातु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल्यूमिनियम। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जल में लवण का घुलना। अगला है, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन सी जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पादन करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। अगला, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी थाइमस। नेक्स्ट है, रेडियम प्राप्त होता है तो रेडियम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन सी पिच ब्लेंड से। अगला, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा, जिसको कहते हैं लेड, मतलब पीबी। अगला है, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल। अगला है, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है? तो ऑप्शन बी निम्न तापमान से। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी ह्यूगेंस के द्वारा या हाइगेंस के द्वारा। अगला, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान खालिस्तान से चलेगा? तो ऑप्शन सी त्वरण एक्सीलरेशन। अगला है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है? तो ऑप्शन सी कांच से होकर। अगला, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पहले कमता है बाद में बढ़ता है, मतलब पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ जाएगा। अगला है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, क्यों उठता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा ये ऑप्शन है और 2 ऑप्शन ये हैं, मतलब ऑप्शन डी केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्च्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? तो ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो तड़ित चालक निर्मित कहाँ से होते हैं? ऑप्शन बी तांबा से। अगला है, पदार्थ का लघुतम अंश है, तो पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? ऑप्शन डी क्वार्क। अगला है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला है, ईईजी का प्रयोग खालिस्तान व्याधि के निदान के लिए होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक स्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस कोण पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तीव्रता। प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट है, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला है, बेलाडोना नामक औषधि पाट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्तियां। अगला है, जीन क्या है? तो जीन क्या होता है? ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों का वाहक। अगला है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बाल्डेयर। अगला क्वेश्चन है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी अग्नाशय में। अगला है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है,
बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ फिंगरप्रिंट पिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल सैलिसिलेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, Mg। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, तने का कार्य है, तो तने का कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब संवहन करना, संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी, ताप जो होता है बढ़ जाता है। अगला, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेराल है? सभी को पता होगा, तो ऑप्शन बी, विटामिन ई। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। अगला क्वेश्चन है, जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला है, वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा किरण। अगला है, आर्कमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जल उत्प्लावन का नियम। अगला है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए, बाबर्रा मैंटिक, सॉरी मैंकिक टोंक। ओके, मैक्टिंग टॉक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, बाबर्रा मैंकिक टोंक। ओके, अगला है, मानव रक्त होता है तो मानव रक्त क्या होता है? तो ऑप्शन सी, क्षारीय है। नेक्स्ट है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सभी को पता होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी। अगला है, डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ए, सिलिका, चूना और एलुमिना। नेक्स्ट है, त्रि आयाम 3D में लेसर बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन बी, होलोग्राफी। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन डी, 6.4। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जल से। अगला है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासीन। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन क्या होता है? ऑप्शन सी, एंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्वास का केंद्र कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। अगला है, मराइस्मस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशियां। अगला है, क्वार्सियोकर किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है? तो ऑप्शन सी, अल्फा कण। और अगला बनता है, समस्थानिक परमाणुओं में? तो ऑप्शन ए, प्रोटॉन।
प्रोटॉनों की संख्या जो होती है समान होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी लाल। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है? तो ऑप्शन सी लैंगरहैंस ग्रंथि से। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है? तो ऑप्शन बी पारे की बाष्प और आर्गन। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोजाइम एंजाइम। अगला एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगती है? ऑप्शन सी पानी एवं ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन का फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पाइराइट्स। अगला है, आस्ट्रिबो मैलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन डी कंकाल तंत्र। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन डी एमाइलेज। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मशीनीकरण। अगला है, औषधि जो दर्द दूर करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। ओके, अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन सी स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पॉइज के 10 गुने के। अगला है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लिसिनिन। ओके, नेक्स्ट है, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन व प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? ऑप्शन सी मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है? ट्रिपैनसोमा। ओके, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन डी फ्रियोन। अगला है, बिटी कल्चर संबंधित है? तो बिटी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन सी अंगूर की खेती से। अगला है, 2,4-D संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खरपतवार नासी से। अगला, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फास्फोरस पी मतलब। अगला है, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रॉन्सियम। ओके, अगला है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी असमत बेगम। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की। अगला, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। अगला, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परांशवेदी यंत्र क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो सभी को पता होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु जेसी बोस। अगला, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है?
तो ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन ए एटलस। अगला है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। अगला है वायु में ध्वनि का वेग, ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, तो ऑप्शन बी भाप अंगार गैस। अगला है एक्यूपंचर क्या है, तो एक्यूपंचर क्या होता है, ऑप्शन सी सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी 206। अगला है निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। अगला है स्लैग नाम किसने दिया जाता है, किसे दिया जाता है स्लैग नाम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गलित सिलिकेट। अगला है पायरोमीटर से मापा जाता है, तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, ऑप्शन ए उच्च ताप। नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग प्रयोग किया जाता है वह है, तो ऑप्शन डी एनिमल चारकोल। अगला है किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगला है जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या होता है, ऑप्शन सी CO2। अगला है क्रैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो क्रैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ऑप्शन डी साइटोक्रीम। अगला है परितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेराल के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला हीलियम की खोज किसने की, तो हीलियम की खोज की थी ऑप्शन बी लोकियर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सैरेड लेड है, तो ऑप्शन सी Pb3O4। अगला पिच ब्लेंड आयस का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियम का। और अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन बम। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है। अगला सीवी रमण को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। विटामिन के का कार्य होता है, तो विटामिन के का कार्य क्या होता है, ऑप्शन बी रक्त को थक्का जमाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एथलीट फुट। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन सी बेरी बेरी। अगला तिल्ली को कहते हैं, तो तिल्ली को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी रक्त बैंक। अगला है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। और सॉरी ये जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। ओके नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी बैगनी। अगला क्वेश्चन बनता है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है,
तो ऑप्शन सी, रक्त का स्कंदन ना होने से। अगला, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। अगला, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ऑप्शन सी, जे जे थॉम्सन। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इथिलीन। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। अगला, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है, तो ऑप्शन बी, बांस। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। अगला है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए, झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन बी, समुद्री जीवों। और अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है, तो ऑप्शन सी, यूरेनस। नेक्स्ट है, टार्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम समूह। अगला, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी, मूंगफली। नेक्स्ट है, सिनेबार किसका खनिज है, तो ऑप्शन डी, पारा। नेक्स्ट है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। अगला है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। और अगला है, निम्न में से कौन सबसे कठोर है, तो ऑप्शन सी, हीरा। अगला है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ऑप्शन डी, फ्लोएम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी, लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल। अगला है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो ऑप्शन सी, 40%। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी, जेरोफाइट। अगला है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन सी, टिन व एवं सीसा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ खुला रहता है, तो ऑप्शन बी, लाइसोजाइम। अगला, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रियोन। अगला है, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए, 20। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।